इल्लो रानी उस तरह की और भी सेलिब्रिटीज आती हैं यहाँ पे। हाँ जी, फर्स्ट टूर पे आए ना इधर, तो इधर काफी रास्ता हमने यहाँ बस यहाँ पे स्टॉप किया, एक पुलिस वाले की यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उससे बैठ के मैं तस्वीर उतारी, फिर मैं सोचा मैं यार कभी मैं भी बाइक पे आऊंगा, आज आ गया 3 साल बाद। ये हल्का टच करूंगा जी, ख्याल करना कच्चा है, कच्चा है वही देख रहा हूँ मैं। मैं तो वो पता नहीं, मैं वो खोता भी खिला देते हैं बीफ के आके पता नहीं लगता। पहले कावा पिया हमने, ये सारी तरह जो है वो नजला जुकाम खत्म कर देगा। एक स्पेशल वाला ऑर्डर किया मैंने, जिसको खा के बताते हैं, इसके अंदर डबल पैटी लगी हुई है याफ मीट की, साथ में फ्रंडा लगाया है और बाकी सलाद वगैरह। ना मेरे से मास्क लगा के चलती है ना हेलमेट डाल के। ये जनाब सारे आसाम में पासल कॉन्स देख रहे हैं आप, पासल कॉन्स के जो है हम अंदर से घुटा रहे हैं समझ लें, बस ऐसा लग रहा है बिल्कुल सामने खड़ी है। अच्छा जी, अभी ये पासल कॉन्स पे ब्रेक लगाई है, ये व्यू पॉइंट है, इधर थोड़ा सा हम जो है वो फोटोशूट बनाएंगे, वीडियो वगैरह बनाएंगे ताकि आप भी देख सकें अगर आप नहीं आ सकते अपनी बाइकों पे। कोई भी नहीं हमारे अलावा यहाँ पर, हम ही हैं सिर्फ। अच्छा, ये पासु ग्लेशियर है सामने, वो देखें पूरा वो बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर है, ये जब पिघलता होगा तो पानी इस तरफ आता होगा ना पूरा अंदर। हाँ बिल्कुल, नीचे से रास्ते का पानी है। ये लिखा हुआ जी वेलकम टू पासु और 7478 मीटर इसकी जो है वो बुलंदी है, ये देखे मेरे पीछे आप देख रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट टूर पे आए ना इधर, तो इधर काफी रास्ता हमने यहाँ बस यहाँ पे स्टॉप किया, एक पुलिस वाले की यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उससे बैठ के मैं तस्वीर उतारी, फिर मैं सोचा मैं यार कभी मैं भी बाइक पे आऊंगा, आज आ गया 3 साल बाद।
खाए पिएंगे। सही मसला नहीं, अलाट नहीं किया तो कुछ पूछे पूरी फालतू कौन से। और इतनी खामोशी है ना कि पिन ड्रॉप साइलेंट है। ये अभी इसके अंदर जाएंगे हम, देखते हैं, क्लिक करते हैं, देखते हैं, आधे जी चलते हैं अंदर क्या हालात है। ख्याल करना कच्चा है, कच्चा है, वही देख रहा हूँ मैं, ये देखिए। सलाम अलैकुम, फाइनली पहुंच गए हैं। हाँ जी फाइनली पहुंच, कहाँ पहुंच गए? याक ग्रिल। क्या खिला रहे हैं इस तरह बैठे? इधर बैठे ये पकड़ इसको, मैं हेलमेट तो निकालूं, पकड़ो इसको हेलमेट बस भाई हेलमेट लगा के घूम रहे हैं, उन्हें ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है। ये देखें जी, ये सर लगाया हुआ याक का, क्या बात है। ये इसका मेन्यू आ गया, सही है, मुनासिब है, प्राइस वर्थ इट है। इतनी दूर से हम आए हैं तो हम खा के जाएंगे भी कुछ ना कुछ, स्टेक ट्राई करेंगे, बर्गर वगैरह खाते हैं। बाकी अहमद भाई पहले आप आए हैं इधर, क्या क्या इनका अच्छा है? इनका सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं। आपने क्या पहले ट्राई किया हुआ? मैं तो जब भी आया हूँ यहाँ पे जो है कढ़ाई ट्राई कर दिया हूँ। अच्छा, हाँ कढ़ाई और बर्गर खाए हैं ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ये भाई जो है ना इनकी दाढ़ी बड़ी प्यारी है यार, इधर है तो करते जरा। ये ऐसा लगता है कोई यूरोपियन है लेकिन पाकिस्तानी है ओरिजिनल। ये शेक बना रहे जी यहाँ पे, ये इनका। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है कि सारा कुछ ओपन ही है, किचन वगैरह इनका। हमारे लाहौर में तो पता नहीं, हमें वो खोता भी खिला देते हैं बीफ कह के, पता नहीं लगता। इधर सारा कुछ ओपन है, तो कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? 15 से 20 मिनट लगेंगे। अच्छा सही, यहाँ पे दूसरी तरफ वो चिली ड्राई रेडी हो रही है। ये भाई बना रहे हैं, ये राइस के साथ सर्व होगा। सर्व करके गया मैं, चिकन चिकन चिली ड्राई मुंह पे चढ़ा हुआ है, ये याक चिली ड्राई है, और ये साथ में ज़ातर का कावा, और ये टुमारो टी इसको बोलते हैं, हुंजा टी भी बोलते हैं। बाकी अभी वो स्टेक जो है बना रहे, उसमें 15-20 मिनट लगेंगे, शुरू करते हैं इसको, खाते हैं, चेक करते हैं। कावा जो है ना, ये हम इतना सफ़र करके आए हैं, बहुत ज़रूरी था, आते ही पहले कावा पिया हमने। ये सारे कारक जो है वो नज़ला ज़ुकाम ख़त्म कर देगा। और ये ऊपर याक सब लगे हैं, देख रहे हैं, इसको कहते हैं याक, इसके हम तिक्के बोटी कबाब खाएंगे बना के। इधर तो वो तिक्के कबाब मिलते हैं ना इसके, इधर से मिलते हैं जी जी ये भी। अच्छा ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से जनाब, ये लेके आ गया लड़का, हाय हाय हाय, स्टेक लेके आया है, इसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं।
चलिए अभी मैं ट्राई करके बताता हूँ आपको, खा के दिखाता हूँ कैसी है। पहले इधर से इसकी हमने ये टमाटर बाइट खाता हूँ। जूसी है बहुत, सही है, गला हुआ सही गोश्त, जबरदस्त। चावल कैसे हैं, ये कैसा है चिल्ली, अच्छा है कि बस गुजारा है? नहीं सही है, बिल्कुल अच्छा है। खा के अभी हम थोड़ा और ऑर्डर करते हैं, चले अभी थोड़ा खा लें तो शुरुआत है। अच्छा जी, ये बर्गर ऑर्डर किया इनका, यह बर्गर लेकिन स्पेशल वाला ऑर्डर किया मैंने, जिसको खा के बताते इसके अंदर डबल पैटी लगी हुई है याफ मीट की, साथ में फंडा लगाया है और बाकी सलाद वगैरह रायता सलाद, ये साथ पोटैटो वेजीज है। इसको खा के अभी इसको खाना किस तरह में ये सोच लो पहले, इतना बड़ा बर्गर इसको खाना कैसे है? इसको जो है ऐसे ही खाना पड़ेगा यार, ये तो नहीं कटेगा है ना, खा के बताता हूँ। ये मुंह में ना लग जाए ऊपर तीला, उफ। खाना किस तरफ से है यही नहीं समझ आ रही, मुंह बहुत बड़ा लेके आना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त है, कैसे करें इसमें से लवाजमत, बहुत अच्छा है। बेहतरीन मुंह देखना, बहुत अच्छा है। इसके बाद हम खाने पीने के बाद कुछ पीते हैं फिर हम निकले वापसी की तरफ। चले देखें स्टेक खा खा कितनी मोटी हुई है, चेक करें जी क्या बात है। अच्छा जी, इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया जी 8 out of 10, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। सबसे अच्छी वो जो राइस वाली थी वो लगी। अभी हम आगे चलते हैं, अभी जैसे जैसे बंदा आगे जाता है ना सफ़र पे, फिर उसको और भी चीज़ें डिस्कवर होती हैं। अभी अहमद भाई बता रहे हैं कि आगे एप्रिकॉट केक बड़ा मशहूर है, यहाँ पे नज़दीक ही है, तो मैं कहा चलो चलते हैं बंदा खा लेता जा कर। कि पैदल जा रहे हैं यहाँ पे? अच्छा भाई, हम वॉक जा सकते हैं कह रहे हैं, वो ऊपर है लगता है, वो कह रहे हैं सबसे पुरानी वहाँ पे दुकान है, यहाँ पे वो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो अपनी जो है वो क्या नाम बिलावल भुट्टो एलो रानी और उस तरह की और भी सेलिब्रिटीज़ आती हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं इनका केक वर्थ इट ट्राई कर लें, नज़दीक ही है, ट्राई करते हैं फिर जाके जी। ज़बरदस्त यहाँ पे वॉकिंग सिस्टम, क्या बात है। टच करूंगा जी अच्छा यार अभी हम निकल रहे हैं वापसी के लिए, ठीक है 4:15 हो गए, 5 बजे तक फुल अंधेरा हो जाएगा, तो अभी हमने डाको डाक ही जाना है करीमाबाद। आज का टूर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है, ये मेरे पीछे पासुकोन्स ठीक है, और ये इसका पता नहीं क्या नाम है, बर्फ़ वाले पहाड़ है,
ठीक है, वो ऊपर हम गए थे ये तरह से स्टेक का है, फिर दूसरी जगह वो ऊपर दिखाता हूँ जहाँ से होके आए वो ऊपर एप्रिकॉट केक वहाँ से खाया, ये पड़ा हुआ बाकी का रास्ते में रोके चाय शाय। कौन सा? अच्छा जी, हम पहुंच गए वापस दोबारा अपने होटल, अभी भी बाइक ला के पार्क किया है, 5:30 साढ़े पाँच में ऐसा लग रहा था 10 बज गए, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है अभी। और क्या वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ ज़बरदस्त टूर लग गया हमारा, अभी हमें चाय पिला दो, वही पियेंगे। हाँ चाय कावे पियेंगे वही वाला। हाँ पाँव जो है ना बिल्कुल ठंडे बर्फ हो गए थे, हेलीन ड्राइव से बोल रहा हूँ चलाया आपने है ठंड पीछे मुझे लगा एक बार ही मेरे गलती से नहीं बोला कि मुझे छोड़ दो, इसके शौक पर हो जाएगा जाने दो। बगैर मास्क के चलाइए, बगैर मास्क वो इसी तरह। हाँ सर्दी नहीं लगी, बस नाक पे सिर्फ, बाकी सब पूरा कवर किया हुआ। ठंड लग रही है फिर बाइक के ऊपर उधर से आ रहे हो, वही बगैर मास्क इस तरह जाते हुए इस तरह चला है, आते हुए इसी तरह ना मेरे से मास्क लगा के चलती है ना हेलमेट डाल के। अभी कावा पियेंगे सब सेट हो जाएगा। हाँ वो चल रहा है ब्लैंकेट, चल रहा है इलेक्ट्रिक। अच्छा पता नहीं, वो तो बंद हो गया हुआ था रात को। एक मिनट खोलो तो रहे, अपना अभी हाथ भी नहीं। हाय 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 चल रहे, गर्म पानी भी आ रहा है, जबरदस्त है। पानी का तो हाथ भी नहीं लगाना अभी, अरे बिस्तर गर्म हो गया मेरी, बस नाक को ठंड लगी और मुझे कहीं ठंड नहीं लगी। जबरदस्त तरीन टूर हुआ है, थक गया मैं। वहाँ शूज का हाल चेक करें क्या हो गया, क्या सीन है? सीन अभी बस चाय शाय पीते हैं, साथ ये केक खाते हैं। तो गरम हो जाओ, गरम फिर के बाद में। अच्छा ओवन वगैरह है इधर? नहीं ओवन तो नहीं, इसको फुल कर दें इसको। हाँ फुल करो ना, हाँ फुल करता है। ये एप्रिकॉट केक है, अभी मैंने इसको बोला चाय बनाने के लिए, चाय बनाता है फिजान, फिर उसके बाद जो है वो चाय शाय पी के बस फिर घुसते हैं नमाज, नमाज वगैरह पढ़ता हूँ अपनी और फिर घुस जाते हैं बिस्तर में।